सुबह सिंध के दार हुकूमत कराची में मानसून की पहली बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर इलाकों में गुज़िश्ता दो रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था और आज सुपहर से कराची में भी बारिश का आगाज़ हो गया। कराची में लांडी, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल गार्डन, आईआई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, शाहरा फैसल, लियारी, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में आंधी के साथ हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि पीएफ बेस फैसल में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा नाजमाबाद में 22, ओल्ड एयरपोर्ट पर 10, पीएएफ मसरूर में 12 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 8.8 मिलीमीटर, क्लिफ्टन में 6 मिलीमीटर, लांडी में 3.1, सुरजानी टाउन में 1.2 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 10.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लवाजी इस दौरान सिंध के ज़ेर इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को भी जाहिर की गई है। इससे कबल महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने कहा था कि बारिशों का सिस्टम इस वक्त जनूब में ठट्टा और बदीन में मौजूद है और इन्हों से साथ ही कराची में शाम के वक्त आंधी के बाद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। डायरेक्टर मेट कराची सरदार सरफराज ने कहा कि मानसून के पहले स्पेल में दो रोज़ तक बारिश का इम्कान है, जो बुध 8 जुलाई की सुबह तक जारी रहेगी और इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन, विन न्यूज़, कराची।